जल संवर्धन और संरक्षण में इंदौर को नंबर वन का खिताब मिला है। दिल्ली से अवार्ड लेकर इंदौर लौटे कलेक्टर आशीष सिंह, निगम कमिश्नर और जिला पंचायत सीईओ का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। अवार्ड की खुशी से गदगद कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर की प्रशासनिक टीम और शहर की जनता को क्रेडिट दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वाटर प्लस सिटी के बाद अब इंदौर को जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय जल अवार्ड मिला है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित गरिमामय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को यह अवार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन भी मौजूद थे। इंदौर स्वच्छता में तो पूरे देश में अव्वल है ही, अब जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में भी अव्वल हो गया है। अवार्ड लेने के बाद इंदौर लौटे कलेक्टर आशीष सिंह ने इसे इंदौर की जनता, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के सम्मिलित प्रयासों का नतीजा बताया। देखिए, सबसे पहले तो जो ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है इंदौर जिले को, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, इसके लिए मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और यहाँ की पूरी जनता को, अपनी पूरी टीम को, सभी जनप्रतिनिधियों को, मीडिया को, सभी को बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। निश्चित रूप से जल संरक्षण के लिए जो प्रयास इंदौर में विगत वर्षों से किए जा रहे हैं और वो जिस तरीके से फलीभूत हो रहे हैं, उसी का परिणाम है कि ये अवार्ड जो है वो फिर से इंदौर को प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या नगरीय क्षेत्र की बात करें, बहुत ही अच्छे काम जल संरक्षण के क्षेत्र में इंदौर में हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखें तो सीओ जिला पंचायत के नेतृत्व में वाटरशेड के जो कार्य हैं उनके जरिए कई सारी नदियां हैं जिनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। कई सारी जगहों पर क्रॉप पैटर्न को चेंज करके जल संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। अन्य जो सूखपीट आदि जो तरीके हैं उनके माध्यम से जल संरक्षण किया जा रहा है। और नगर निगम क्षेत्र में कमिश्नर नगर निगम के मार्गदर्शन में खासतौर पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम है वो बहुत बड़े पैमाने पर किए जा रहा है। इसी का परिणाम है ये सारी जो गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में चल रही हैं, उसी का परिणाम है कि इंदौर को ये अवार्ड जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। पुनः मैं एक बार अपनी पूरी टीम को, सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि ये राष्ट्रीय पुरस्कार है और देश के सभी ज़िले इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो अगर पूरे देश के ज़िले जिसमें हिस्सा ले रहे हों, अगर उसमें कोई ज़िला जो है प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो निश्चित रूप से बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, और निश्चित रूप से पूरी टीम जो है बधाई के पात्र है। मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज को शामिल किया था। इंदौर को इसमें से बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी का प्रथम पुरस्कार मिला है। देखिए, नगर निगम इंदौर में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हुआ है और जो कैचमेंट चैनल को क्लियर करने के बाद जो हमारी वाटर बॉडीज में पानी की आवक बढ़ी है, निश्चित ही उससे हमारी ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ी है और ये इस पूरे इस अवार्ड के पैरामीटर्स में इसमें इसी से हमको फ़ायदा हुआ है और ये अवार्ड निश्चित ही इंदौर वासियों की पूरी मेहनत का परिणाम है और इस कारण से हमको अवार्ड मिला है। ठीक है, इसमें इन सभी पहलुओं को, जो हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के जो पहलू थे उनको दृष्टिगत रखते हुए ये काम हुआ था और बिल्कुल जो हमारा जो ग्राउंड वाटर में इजाफा हुआ है वो एक निश्चित ही एक पैरामीटर था और हम लोगों ने इस पूरे अवार्ड से एक प्रेरणा भी ली है कि आने वाले समय में, जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो जल गंगा संवर्धन अभियान भी प्रारंभ किया गया है जिसमें इंदौर नगर निगम ने हमारी बावड़ियों को, तालाबों को, कुओं को हम लोगों ने रिचार्ज किया है, साथ ही साथ 120 से ज़्यादा रिचार्ज शाफ्ट लगाए हैं जिससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल में इजाफा हुआ है। हम इन्हीं कामों को और बेहतर करेंगे और अगले वर्ष भी अपना जो उम्मीदवारी है उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगे। देखिए, बहुत जैसा चैलेंज है बिल्कुल, लेकिन इस पूरे अवार्ड से एक जवाबदारी तो है ही, लेकिन एक प्रेरणा मिलती है कि हम माँ अहिल्या की नगरी में जो भी अच्छे परिणाम करते हैं उनकी प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, निश्चित ही प्रेरणा मिली है और हम लोग और बेहतर करेंगे, अगले साल और अच्छा काम करके दिखाएंगे। नेशनल वाटर अवार्ड जिले में जो भी जल संरक्षण के कार्य किए जाते हैं उसके आधार पर दिया जाता है, तो इंदौर ज़िले में कई वर्षों से जल संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से जो जल हमारे पास है उसको संरक्षण के लिए फ्लड प्लेन्स पे बहुत अच्छा वृक्षारोपण जिले में किया गया है। कुछ नदियाँ जैसे विशेष रूप से चोरल नदी,
अजनार नदी, इनके पुनर्जीवन के लिए और इनमें बेहतर पानी का प्रवाह रहे उसके लिए बहुत वृहद स्तर पर कार्य जिले में किए गए हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल वाटर रिचार्ज के लिए भी विशेष रूप से शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में काम किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से जो केंद्र सरकार की योजना है अमृत सरोवर, उसमें बहुत बड़े स्तर पर अमृत सरोवर जिले में बनाए गए हैं। उसके अलावा एक बिंदु जो वाटर वार्ड्स के लिए अहम रहता है वो है कितना जन सहयोग जिले में मिला है। तो इंदौर का जैसे इतिहास रहा है, जो परंपरा रही है, यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन को भी जन आंदोलन के रूप में लिया गया है। जैसा शहर में वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य हुआ है, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल यात्राएं आदि निकाली गई है, वो सब भी बड़ा एक बिंदु अवार्ड को प्राप्त करने में रहा है। देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर बना लेना अपने आप में पर्याप्त नहीं है जब तक ग्रामीण लोग उसका संधारण ना करें। कोई भी स्कीम के अंतर्गत जब भी स्ट्रक्चर बनता है तो वो स्ट्रक्चर कभी ना कभी ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया जाता है। तो चूँकि जो टीम सर्वे टीम आई थी वो गर्मी के समय में आई थी, जब उन्होंने देखा कि गर्मी के दौरान भी वो वाटर स्ट्रक्चर्स पानी से भरे हुए हैं, तो बिल्कुल बताता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो परिवार हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, उनका बहुत विशेष सहयोग रहा है। मैं पूरी इंदौर की जनता को, यहाँ के सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण को, कलेक्टर साहब के निर्देशन में, क्योंकि ये पूरे के पूरे प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया है, सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए 9 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित 38 विजेताओं की घोषणा की गई थी, जिसमें इंदौर ने बाजी मारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।